गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस वीडियो के थ्रू आज हम करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं यूजिंग थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपल सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज का सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। लास्ट वीडियोज में आप लोगों ने सीखा है कि क्या क्या नेसेसरी है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करा जाता है प्रोग्राम में। ठीक है, देन ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, कैसे डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को किस टाइप के डेटा टाइप के साथ हम प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपल सी प्रोग्राम। ठीक है, अब आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, किसी भी ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन सबसे पहले जब कोई भी ऑथर किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को एक्सप्लेन करना चाहता है तो ऑथर का फोकस होता है उस पर्टिकुलर कंटेंट पे, और यूजर जो प्रोग्राम लर्न कर रहा है, जो सीख रहा है, जो लैंग्वेज लर्निंग पे है, वो क्या करता है, वो उसका फोकस होता है कि वो कंप्लीट प्रोग्राम व्यू से देखता है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जब आप एज इट इज उसको टाइप करो पीसी पे और उसका आउटपुट आ जाए, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। रीजन क्या होता है, कुछ नेसेसरी फाइल्स होती हैं लाइक दिस। कुछ बुक्स में क्या है, ये दोनों हेडर फाइल्स गिवन नहीं होती है। फंक्शन टर्मिनेटर, ये फंक्शन गिवन नहीं होता है जिसकी वजह से प्रोग्राम रन नहीं करता, और लर्नर जो फर्स्ट लर्नर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए ये दो हेडर फाइल्स नेसेसरी होती है। ठीक है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम सीखा था, ये दोनों हेडर फाइल्स होती हैं। इस पर्टिकुलर सिंपल और इस कीवर्ड के थ्रू क्या होता है, ये जो हेडर फाइल है स्टडी इनपुट आउटपुट आईओ इनपुट आउटपुट फाइल, इस पर्टिकुलर फाइल को ऐड करा जाए आपके प्रोग्राम के साथ। इसका क्या मतलब है, ये जो कीवर्ड और ये सिंपल है हैश इंक्लूड, ये कंपाइलर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि पर्टिकुलर सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है, इनबिल्ट लाइब्रेरी है, उसमें से ये पर्टिकुलर फाइल के जो कंटेंट है वो आपके प्रोग्राम के साथ ऐड करें। इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के जो कंटेंट है वो आपके हेडर फाइल के साथ ऐड करें। ठीक है, और जब तक ये कंटेंट ऐड नहीं होते आपके प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आ पाता, एरर्स आती हैं। ठीक है, नाउ इनपुट आउटपुट, अब ये इस इनपुट आउटपुट के लिए कौन से कीवर्ड या कौन से फंक्शंस होते हैं। इनपुट के लिए होता है स्कैनफ। ठीक है, आप कई प्रोग्राम्स में देखेंगे स्कैनफ क्या है। देन आउटपुट के लिए होता है प्रिंटएफ, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब प्रिंट फंक्शन, इस फंक्शन के साथ जो भी सेट ऑफ डेटा होता है वो पर्टिकुलर डेटा एज इट इज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी एलोकेट वैसे तो कंप्लीट जो प्रोग्राम है, जो भी आप पीसी में कर रहे हो, उसको मेमोरी एलोकेट होती है वाया रैम, वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, लेकिन प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर पर्टिकुलर वेरिएबल्स को ही मेमोरी एलोकेट कराता है। ठीक है, और वो कब होती है, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। स्कैनफ में हम क्या करते हैं, जो भी स्कैनफ में जो डेटा आता है उसको मेमोरी एलोकेट होती है, माइक्रो प्रोसेसर उस पे प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है कि सेट ऑफ डेटा को प्रिंट ऑन द स्क्रीन, सेट ऑफ डेटा को लोकेट द मेमोरी। ठीक है, उसको मेमोरी प्रोवाइड कराना। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास को
किस टाइप के डेटा टाइप के साथ हमें एंटर कराना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी है ये दोनों हेडर फाइल्स। इन दोनों हेडर फाइल्स को आप किसी भी प्रोग्राम, कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करोगे तो ये दोनों हेडर फाइल्स नेसेसरी हैं। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बुक में क्या दिया होता है, यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली जब आप मेन सॉरी फंक्शंस की वीडियो आप देखोगे तो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन, दिस इज मेन फंक्शन इज लाइब्रेरी फंक्शन। कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम करोगे ये मेन फंक्शन नेसेसरी होता है। और ये फंक्शन क्या कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है आपके प्रोग्राम को, वो ये फंक्शन के जो कंटेंट है वो कहाँ है, एज यूजुअल लाइक दीज टू हेडर फाइल्स लाइब्रेरी इन दिस फाइल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। ठीक है, इस फंक्शन के कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप फंक्शंस की वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा टू टाइप के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और फंक्शन को डिफाइन करने का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, यहां पर हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, ये फंक्शन नेम होता है और ये आर्गुमेंट लिस्ट होती है। ठीक है, ये जो ब्लैंक ब्रैकेट आप देख रहे हो दिस इज आर्गुमेंट लिस्ट, यहां पर आर्गुमेंट लिस्ट डिफाइन करी जाती है। लेकिन अगर ये ब्लैंक है यानी कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पर कोई कीवर्ड ऐड नहीं करा गया है, यानी कोई इस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, अब मेन फंक्शन भी आप नोट्स के थ्रू आप रीड कर सकते हो कि मेन फंक्शन के साथ अगर यहां पर वॉइड कीवर्ड ऐड करा हुआ है, दैट मींस वॉइड का मतलब होता है खाली, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर यहां पर गिवन होता है इंट, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट यानी इंटीजर। ठीक है, यानी ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसलिए कई प्रोग्राम्स जब आप रन करोगे अगर यहां पर आप कुछ भी नहीं लिखते तो एरर आती है। रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप यहां पर ऐड करोगे void keyword। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कि आप कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल मींस वेरिएबल डिक्लेयर हम क्यों करते हैं, वैल्यूज एंटर कराने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोग्राम में हमने जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम करा था एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, या अब वो एग्जाम्पल क्या है, यानी आप दो वैल्यूज का सम कर रहे हो। नाउ इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को एंटर करा रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस, अगर मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास 2.5 है, ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को मुझे क्या करना है, एंटर कराना है। अब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है इंट, और ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को एंटर कराने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा टाइप क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर टाइप। और पॉइंट वैल्यू वैल्यूज को एंटर कराने के लिए डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट टाइप। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि कोई अल्फाबेट प्रिंट हो तो इसके लिए आपको चाहिए कैरेक्टर टाइप। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को आपको एंटर कराना है तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन वीडियो हम लास्ट टाइम बना चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। आज का हमारा मोटिव है कि टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक एज इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को एंटर कैसे कराना है, उसके लिए क्या टाइप स्पेसिफायर यूज होता है। हम चाहते हैं इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज को प्रिंट कराना। अब हमने इसके लिए एक वेरिएबल लिया है ए। ठीक है, अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एक सिंपल प्रोग्राम है, अगर आप बड़े प्रोग्राम देख रहे हो तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब जितना नंबर्स ऑफ डेटा को आपके पास, 4, 5, 6 जितने नंबर्स ऑफ डेटा है, तो उनके लिए आप अलग अलग वेरिएबल दे सकते हो। ठीक
ठीक है। इसके इसके बाद और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको अलग अलग वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितने नंबर्स ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हो, कितने नंबर्स ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हो, उनको मेमोरी एलोकेट कराना। और मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है, आप चाहते हो कि वो डेटा स्क्रीन पर भी आए, अब यूजर को भी तो पता होना चाहिए जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हो कि आपने कहां क्या लिखा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एंटर करा रहे हो कोई एक लोकेशन, प्रिंट फंक्शन एज इट इज ये पर्टिकुलर रो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। अब आपको कंपाइलर को एक एक स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, आपको ये मेमोरी एलोकेट करो और फिर एंटर द नंबर। पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करा जाता है, ठीक है। एक सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कितने टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल स्टेटमेंट, जो एक सिंपल रो में स्टेटमेंट आती है, सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन में जो सेट ऑफ डेटा आप टाइप करते हो वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। देन नेक्स्ट है, आपको क्या चाहिए, जो मेमोरी आपने अपने पर्टिकुलर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा के लिए जो मेमोरी आपने फाइनल करी है, जो मेमोरी एलोकेट करी है, वो पर्टिकुलर मेमोरी में आपको क्या चाहिए, आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सी में टाइप स्पेसिफायर यूज करे जाते हैं, परसेंट डी। अब इंटीजर टाइप के जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हो उसके लिए होता है परसेंट डी टाइप स्पेसिफायर, फ्लोट के लिए होता है परसेंट एफ, और कैरेक्टर के लिए होता है परसेंट एस स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां पर आप प्रिंट करना चाहते हो, आपने एक ए मेमोरी लोकेशन ली है मेमोरी में, यहां पर आप चाहते हो टू प्रिंट हो जाए, तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीसी को बताना पड़ेगा आपने लोकेशन ले ली है, एंटर द नंबर, ठीक है। अब एंटर नंबर करोगे, किस टाइप की वैल्यू, परसेंट डी टाइप की वैल्यू, ठीक है। और अब इसको ऑफ करोगे, देन कोमा, किस लोकेशन पे इस टाइप की वैल्यू, ये मेमोरी ऑपरेटर होता है, इस मेमोरी ऑपरेटर की हेल्प से जो ये वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, यानी ये इस टाइप का डेटा इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाए, ओवर द स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप चाहते हो, आपने ये डेटा एंटर करा दिया, एंटर द नंबर, इस टाइप का डेटा पर्टिकुलर लोकेशन पे एंटर करा रहे हो, अब आप चाहते हो ये मेमोरी है, ये आपको विजिबल नहीं है, अब ये चाहते हो ये पर्टिकुलर टू नंबर जो आपने मेमोरी में आपने स्टोर करा है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि जिस डेटा को आप स्क्रीन पे चाहते हो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो अगेन राइट प्रिंट फंक्शन। अब इसके लिए क्या, द नंबर इज, जो भी आप यहां लिखोगे वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, द नंबर इज कौन सा, किस टाइप का नंबर है, परसेंट डी टाइप का नंबर, कहां से आए, ए लोकेशन से, ओवर, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है, आपको कहां डबल कोट यूज करने हैं, कहां कोमा लगाना है, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन है, इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कोमा लगा के, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, जो माइनर मिस्टेक्स होती है जो यूजर करता है, ठीक है। देन नाउ गेट सी एच फंक्शन, और इसको मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं। अब जो सिंपल स्टेटमेंट होती है वो एक रो की स्टेटमेंट होती है और पर रो हम उसको टर्मिनेट करते हैं, ये इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। देन कर्ली
स्टेटमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दोज आर इंसर्टेड इन बिटवीन दीज टू कर्ली ब्रेसेस आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कितने टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं? सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रोग्राम में सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट यूज हो रही है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर ए लोकेशन पे आप चाहते हो पॉइंट टाइप की वैल्यू स्टोर करना, तो इसके लिए डेटा टाइप चेंज हो जाएगा फ्लोट, एंटर द नंबर, वही ओल्ड प्रोसेस, लेकिन यहां पर जो टाइप स्पेसिफायर है वो चेंज हो जाएगा। फ्लोट के लिए क्या यूज कर रहे हैं? परसेंट एफ। किस टाइप का डेटा? फ्लोट टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर को कैसे एंटर कराते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू करेंगे, क्योंकि उसके लिए गेट सी एच और गेट कैर फंक्शंस का यूज करा जाता है रादर देन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ठीक है, अब मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे थ्रू आउट कमेंट पूछ सकते हो। थैंक्स।